गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आपको पता है आपके PT2 टेस्ट हैं, उसी के लिए हम आज रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा पुनरावृत्ति कार्य मतलब रिवीजन का काम। बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इनको आप याद करेंगे लिख लिख कर कॉपी में अपनी। सब मैंने लिखवा रखे हैं, आंसर मैं सिर्फ समझा रही हूँ, लिखवाऊँगी नहीं इस समय। अपनी कॉपी में से देख के लिख लिख के याद करना। सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? तो सेठ ने किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा था, क्योंकि उसने सारे रंगों के नाम लेके ये कह दिया था मुझे ये रंग पसंद नहीं है। तो किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा। सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? सेठ ने सारे दिन मना कर दिया था, उस लड़के ने मना कर दिया था अवंती ने, तो इसलिए सेठ कपड़ा लेने किसी दिन नहीं आया होगा। सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा। शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? क्योंकि गुरुजी की थैली बहुत भारी थी। आटा चक्की किस किस चीज़ से चलती है? आटा चक्की हवा की शक्ति से भी चलती है, पानी की शक्ति से भी, और बिजली से भी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दी आई कविता के कवि का नाम लिखो। सर्दी आई कविता के कवि जो है सफदर हाशमी है, अच्छे से लर्न कर लेना। नाना मुझे झाड़फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? नाना मुझे झाड़फूंक वाले आदमी के पास इसलिए ले गए कि उन्होंने समझा मुझे सांप ने काटा है, इसलिए उस आदमी के पास ले गए जो सांप के काटे की झाड़फूंक करता था। लोग मीरा बहन के पास क्यों पहुँचे? क्योंकि गाँव में एक बाघ ने घुसकर गाय को मार डाला था, इसलिए वो सलाह करने के लिए मीरा बहन के पास पहुँचे कि अब हमें क्या करना चाहिए। मंसूबा, कतई, प्रशंसा और ज़रूर, इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। मंसूबा का अर्थ होता है इरादा, कतई का मतलब होता है बिल्कुल, प्रशंसा मतलब तारीफ या बड़ाई, और ज़रूर मतलब अवश्य। इन शब्दों के अर्थ हैं, मैंने लिखवा रखे हैं, बुक में एक्सरसाइज भी है, इनको अच्छे से लर्न कर लेना। मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेसन की पहली ही लाइन में है। बाघ की खबर पूरे गांव में कैसे फैल गई? बाघ की खबर कैसे फैली थी? सब ने एक दूसरे को बताया, जिसने भी सुना उसने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, इस तरह पूरे गांव में ये खबर फैल गई थी। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें सांप और बाघ पर 5-5 वाक्य लिखो और याद करो। आपको हमने लिखवाए हैं 5 वाक्य, लिखकर भेजे थे काम में, आपने किए होंगे, उनको बेटा लिखना भी है, याद करना है, होमवर्क ये है। इन सभी जो प्रश्नों के उत्तर है, 11 प्रश्न हैं, इनको सबको लिख लिख कर लर्न करना है, और टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो आपका टेस्ट बढ़िया हो बच्चों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओके।